हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिसका नाम है एस्कुलस। इसको जो है किस बीमारी में और किस पोटेंशियल में और किस ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का पहला सिम्टम है एस्कुलस जो है पाइल्स की बहुत अच्छी दवाई है। इसका जो पाइल्स होता है इसमें बैकेक रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, इसके साथ में कॉन्स्टिपेशन रहेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्लीडिंग तो बहुत कम होती है लेकिन रेक्टम में दर्द रहता है। जैसे कोई शीशा का टुकड़ा आपके रेक्टम में डाल दिया है तो रेक्टम में इस तरह का दर्द रहता है। इसका जो है पाइल्स का और बैकेक का बहुत गहरा संबंध है। अगर पाइल्स के केस में अगर बैकेक नहीं हो तो ये दवाई काम नहीं करती है। तो अगर आपको पाइल्स के साथ में इतने सारे ढेर सारे सिम्टम है, बैकेक है, कॉन्स्टिपेशन है, दर्द है और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में आप जो है एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार इसको आप लगातार ले सकते हैं। तो अगर पाइल्स का यह सिम्टम अगर होता है तो आपका पाइल्स जड़ से ठीक हो जाएगा, क्योंकि पाइल्स का जो है कोई दवाई एलोपैथी में नहीं होती है बिना ऑपरेशन के। वो ऑपरेशन करने के बाद भी ये अक्सर होते देखा गया है। हम अपने 35 साल के प्रैक्टिस में बहुत से केस देखे हैं जो कि पाइल्स का ऑपरेशन किया गया है और फिर हो गया है। तो दोस्तों, अगर ये सिम्टम मिलता है आपका तो आप एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए और आपका पाइल्स जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसका अगला सिम्टम है, इसका जो पेन होता है वो पेन उसका फ्लाइंग होता है। माने फ्लाइंग माने उड़ता है, जैसे जहाज उड़ता है। कभी दर्द इस हाथ में हुआ, कभी इस हाथ में हुआ। जैसे आप हमने सेमी सिफुआ के सिम्टम में बताया था कि उसका पेन होता है इलेक्ट्रिक शॉक, उसका दर्द जो है बिजली की तरह आया और वापस गया। अगर जो है फ्लाइंग पेन है तो आपको एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद 3 बार देना है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। एस्कुलस का जो दर्द है फ्लाइंग पेन होता है और सेमी सिफुआ का पेन जो है वो जो है लाइक इलेक्ट्रिक सा होता है। आपका इस तरह का जो फ्लाइंग पेन है वो आपका जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है वेनस स्टेसिस। इसमें क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो है वो जो है स्लो हो जाता है पाँव के एक्सट्रीमिटी में। उससे क्या होता है कि पाँव में आपके सूजन आ जाती है और स्किन का जो कलर है वो चेंज होता है। तो इस तरह के केस में जो है एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार जो है 1 महीना तक दे लीजिए, तो आपका वेन्स में जो सर्कुलेशन कम हो रहा है वो जो है आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि यह जो है वेनकोज वेन की बहुत ही अच्छी दवाई है, बशर्ते कि जो आपका वेन्स है वो जो है न तो लाल है न पीला है, माने बैगनी रंग का। आपका वेनकोज वेन अगर बैगनी रंग का होता है तो आप जो है वेनकोज वेन के लिए एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद 3 बार लगातार कुछ दिन दे लीजिए। लेकिन वेनकोज वेन ठीक होने में टाइम लगता है, इसको आपको लगातार कम से कम 3 महीने तक लेना है। तो वेनकोज वेन के लिए कलक्रिया फ्लोर सबसे अच्छी दवाई है। कलक्रिया फ्लोर में कोई सिम्टम नहीं होता है लेकिन एस्कुलस के केस में जो वेनकोज वेन होता है बैगनी रंग हो गया है, जिसको बोलते हैं पर्पल कलर। तो इस तरह के वेनकोज वेन में आप जो है एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद करके पानी के साथ में 3 बार लगातार लीजिए और आस्ते आस्ते जो है आपका वेनकोज वेन जो है ठीक हो जाएगा। इसमें वेनकोज वेन ठीक होने में टाइम लगता है, तो आपका वेनकोज वेन जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका सबसे यूनिक सिम्टम है सीवियर डल पेन होता है लंबो सेक्रल रीजन में, लंबो सेक्रल आर्टिकुलेशन में, माने जो है लंबर एरिया में, इस एरिया में आपको जो है भयंकर पेन होता है, जिसको बोलते हैं लंबो सेक्रल स्पाइन। अगर सीवियर पेन हो और सीवियर हो लेकिन डर रहे तो आप आंख बंद करके एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए। इस तरह का लंबो सेक्रल आर्टिकुलेशन जो दर्द होता है वो आपका जो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है बैक में जो दर्द होता है, ये आपका दर्द जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दर्द तो आपको होता ही है जनरली, लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय दर्द होता है या प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो गया है और तब दर्द कर हो रहा है या लिक्यूरिया हुआ है, तो अगर 3 मर्ज है और उसके साथ में जो आपको बैकेक है, तो ऐसे केस में आप जो है एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए। आपका जो है इस तरह का बैकेक ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि दर्द तभी ठीक होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोलेप्स एंड लिक्यूरिया में जो केस में अगर बैकेक पेन होता है, निश्चित रूप से दर्द ठीक हो जाएगा, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम माइंड पर है। इसमें क्या होता है, इसका पेशेंट डिप्रेस रहता है एंड इरिटेबल, बहुत गुस्सा रहता है और इजिली लूज टेम्पर। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है अपने आप को कंट्रोल भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आ गया तो तोड़फोड़ चालू कर दे, ऐसा नहीं है। इसमें इसका पेशेंट डिप्रेस होता है और गुस्सा होता है, और लेकिन गुस्सा को अपना
कंट्रोल स्लोली कंट्रोल कर लेता है। अगर इस तरह का पेशेंट है तो उसको कोई बीमारी हो तो आप उसको एस्कुलस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में तीन बार देने का ही नियम है। और एस्कुलस जो है डॉक्टर हनीमा ने लिखा हुआ है, आप उसको मदर टिंचर में दे सकते हैं या डायलोसिस में दे सकते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा गुस्सा आता है, इजली टेम्पर होता है और फिर अपना गुस्सा अपने आप शांत भी कर लेता है, तो ऐसे पेशेंट को आप जो एस्कुलस मदर टिंचर दीजिए कम से कम एक महीना दे दीजिए, तो पेशेंट का जो है गुस्सापन और डिप्रेशन जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है चक्कर आना, जिसको बोलते हैं वर्टिगो। तो इसमें क्या होता है कि वर्टिगो, आप बैठे हुए हैं, आपका सिर घूम रहा है, आप परेशान हो गए कि हमको चक्कर आ रहा है, या जब आप वॉकिंग करते हैं, जब आप चलते हैं तब भी आपको चक्कर आता है। तो अगर आप बैठे हुए हैं तब चक्कर आता है और चलते हैं तब चक्कर आता है, तो ऐसे केस में आपको एस्कुलस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके तीन बार पानी साथ में लगातार ले लीजिए। आपका जो बैठने से चक्कर आता है वो भी ठीक हो जाएगा और जो चलने से चक्कर आता है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों वर्टिगो की ढेर सारी दवाइयाँ हैं, कुछ में क्या है खड़ा होने से चक्कर आता है, कुछ में आँख बंद करने से चक्कर आता है, कुछ में आँख खोलने से चक्कर आता है, कुछ चक्कर कान से आता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा चक्कर किस कारण से आ रहा है। अगर आपका चक्कर बैठने से आता है और चलने से आता है तो आप जो है एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद करके तीन बार कम से कम 15 दिन तक ले लीजिए। आपका अगर इस तरह का चक्कर है वो आपका चक्कर जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है आँख पर। इसमें क्या होता है कि आँख की जो ब्लड वेसल्स है वो इनलार्ज हो जाती है, वो देखने से आपको मालूम पड़ेगा कि वेंस निकला हुआ है, इनलार्ज हो गया है। इसके साथ में आँख आपकी हैवी रहेगी और एकदम गर्म रहेगा, पानी निकलेगा, लक्रिमेशन होगा, तो ऐसा सिम्टम मिलता है। एस्कुलस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में तीन बार लगातार ले लीजिए, आपका यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ऐसा सिम्टम ढेर सारी मेडिसिन में है लेकिन इनलार्ज ब्लड वेसल्स और किसी में नहीं है। तो आपको ये दवाई आँख में तभी काम करेगी जब आपका आँख का ब्लड वेसल्स इनलार्ज हो गया है। तो ऐसे केस में आप जो है एस्कुलस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में तीन बार लगातार ले लीजिए, आपका जो ब्लड वेसल्स इनलार्ज है वो नॉर्मल हो जाएगा और जो आंख भारी रहती है, गर्म रहती है और लक्रिमेशन निकलता है, पानी निकलता है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि आपको एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलना चाहिए। दोस्तों इसका अगला सिम्टम ये है, यह जो है फेरिंजाइटिस में बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन ये काम तभी करेगी जब आपका फेरिंजाइटिस में दाने निकल आए हैं, जिसको बोलते हैं फालिकुलर। तो अगर फालिकुलर फेरिंजाइटिस है और उसके साथ में लीवर की कोई प्रॉब्लम है, हिपेटिक कंजेशन, अगर आपको फेरिंजाइटिस है और इसके साथ साथ में फेरिंजाइटिस में दाने निकल आए हैं और उसके साथ में आपको लीवर की प्रॉब्लम है, हिपेटिक कंजेशन है, आप 10-10 बूंद करके दिन में तीन बार एस्कुलस मदर टिंचर लीजिए। आपका जो है आपको गर्म पानी नमक से कुल्ला करने की जरूरत नहीं है। आपका फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस का अगर सिम्टम मिलता है तो आपका फेरिंजाइटिस निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि फेरिंजाइटिस के साथ में ही जो आप जो गला साफ करते हैं, जब कफ निकलता है, जितना देर कफ आपके गले में रहता है आपको जो है मीठा लगता है, वो कफ जो है सूटिश होता है, मीठा मीठा होता है, आपको लगता है किसी कोई चीनी खा ली है मीठा। तो इस तरह के केस में एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में तीन बार पानी साथ में लेना चाहिए, इससे आपका जो है फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है लेरिंजाइटिस पर भी अच्छा काम करती है। लेरिंजाइटिस ये बोल रहा है कि जब फेरिंग्स हमारा भाई है, जब उसको तकलीफ हो गई है तो हमको भी तकलीफ होनी चाहिए, उसमें लीवर प्रॉब्लम हो गया है, हिपेटिक डिसऑर्डर हो गया है, तो इसमें भी हिपेटिक डिसऑर्डर होता है। दोस्तों लेरिंजाइटिस केस में लेरिंग्स में दर्द होता है, आप बोल नहीं सकते हैं, ये तो मेडिकल सिम्टम हो गया, लेकिन जो है होम्योपैथिक में ये सिम्टम मिलना चाहिए कि जो है कफ, जो कफ आता है वो जो है ड्यू टू लीवर हिपेटिक डिजाइडर हो गया है, उसके साथ में कफ आता है। लेरिंजाइटिस की दवाई तो बहुत है, फेरम फास्ट है, बेजाडुना है, हिपरसल्फ है, सालिसिया है, लेकिन इसमें क्या है लेरिंजाइटिस ड्यू टू लीवर प्रॉब्लम, अगर ऐसा सिम्टम है तो आप जो है एस्कुलस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके पानी के साथ में आधा कप पानी के साथ में दिन में तीन बार चार बार लगातार ले लीजिए, आपका लेरिंजाइटिस जड़ से ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। इसमें क्या होता है कि स्टूल जो है लार्ज होता है, लंबा निकलता है, ड्राई रहता है, हार्ड रहता है, इसके अलावा जो है डिफिकल्टीज टू पास और रेक्टम में दर्द कुछ घंटों तक बना रहता है, इसलिए कि हार्ड स्टूल रहता है और कॉन्स्टिपेशन तो रहेगा ही और उसके साथ में कमर में दर्द रहेगा, जिसको बोलते हैं लंबो सक्रल स्पाइन। इस तरह के स्टूल के केस में एस्कुलस मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में तीन बार पानी साथ लीजिए, आपका जो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।
दोस्तों उसका अगला सिम्टम यह है कि अगर थ्रोट में कोई भी प्रॉब्लम है और उसके साथ में जो है आपको जो है पाइल्स की शिकायत है, तो ऐसे केस में भी आप जो है एस्कुलस मदर टिंचर 10-3 बार लगातार ले लीजिए, आपका पाइल्स भी ठीक हो जाएगा और आपका जो गले में प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है इरिटेशन ड्यू टू आर्म। अगर किसी के पेट में कीड़ा है और कीड़ा से उसको इरिटेशन हो गया, इरिटेशन परेशानी हो गई है, तो ये दवा देने से जो है वो कीड़ा जो है बड़े आराम से स्टूल के साथ में निकल जाता है। आप जो है स्कूल आधा कप गर्म पानी में 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार जो है 2 हफ्ता तक ले लीजिए, आपके पेट में अगर कीड़ा है बाहर निकल जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है मेल पर जो है, इसमें क्या होता है कि जब आप पैखाना करते हैं मोशन करते हैं तो उसी समय आपके पेनिस से जो है प्रोस्टेटिक फ्लूड निकलता है, लेकिन दोस्तों स्पर्मेटोरिया एक अलग चीज़ है और प्रोस्टेटिक फ्लूड एक अलग चीज़ है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप स्कूलस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार पानी के साथ में 1 हफ्ता ले लीजिए, जो प्रोस्टेटिक फ्लूड निकलता है वो जो निकलना बंद हो जाएगा, अब आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है अगर आपको अपर बैक में दर्द हो रहा है ज़्यादा और लोअर बैक में दर्द हो रहा है ज़्यादा, गर्दन में दर्द हो गया है ज़्यादा और इसके साथ साथ में स्टिफनेस हो गया है, वो स्टिफनेस आपका जो है जांघ तक पहुंच जाता है, पांव तक पहुंच जाता है, तो ऐसे केस में ऐसे स्टिफनेस के केस में आपको जो है एस्कुलस मदर टिंचर लगातार ले लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है लो ब्लड शुगर। कभी कभी क्या होता है किसी को लो ब्लड शुगर हो गया है, वो फास्टिंग किए हैं जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, तो अगर जो ब्लड शुगर नॉर्मल से नीचे आ जाए तो उसमें क्या है पेशेंट जो है कोमा में जा सकता है, तो आप 1-2 चम्मच चीनी खा लीजिए तो आपको तुरंत आराम हो जाएगा। लेकिन अगर टेंडेंसी आपकी बनी है कि हमको ब्लड शुगर हमेशा लो रहता है तो लो बहुत खतरनाक चीज़ है, तो आपको जो है स्कूलस मदर टिंचर घर में रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता है, कब डाउन हो गया कब पेशेंट की हालत ख़राब हो गई, इसके लिए अच्छा है अगर किसी के घर में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उनको जो है एस्कुलस मदर टिंचर घर में एक फायदा हमेशा रखना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको एस्कुलस के बारे में बताया कुछ सिम्टम, अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा है आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।